दोस्तों आज हम बताने वाले हैं स्प्लेंडर का इसका क्लच प्लेट कैसे फिट होता है। इसका पहले हम इसका इंजन पूरा फुल खोले थे, तो इसका पहले चेक कर लेते हैं गियर बढ़िया तरीक़ा से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। घुमा के पूरा चारों गियर चेक कर लेते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद बताते हैं हम इसका क्लच प्लेट किस प्रकार फिट करना है कि नहीं करना है। इसको पहले हम चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं लग रहा है पूरा बढ़िया तरीक़ा से। चलिए अब इसको रखते हैं बढ़िया तरीक़ा से, उसके बाद क्लच प्लेट फिट कर, ये देख सकते हैं प्राइमरी गियर लग चुका है, लगा दिए हैं प्राइमरी गियर। प्राइमरी गियर लगाने के बाद इसमें एक वाशर जाएगा, ये वाशर, ये देख सकते हैं ये वाशर लगा दिए हैं। उसके बाद क्लच कटोरा लगेगा। क्लच कटोरा लगाने से पहले चलिए क्लच प्लेट लगा लेते हैं, पहले इसमें सेट कर लेते हैं क्लच प्लेट। अब हम लगाने वाले हैं क्लच प्लेट, ये देख सकते हैं MK का क्लच प्लेट है, ये ओरिजिनल है MK का, ये देख सकते हैं कौन सा CD100 लिखा हुआ है, इसको हम लगाने वाले हैं। इसको पहले हम इसमें लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम फिटिंग करेंगे इसको क्लच को पूरा, ये देख सकते हैं। उसके बाद ये घुस जाएगा, उसके बाद ये फिक्स किया जाता है इस तरह डाल के, ताकि ये इधर उधर ना आके लग गया। उसके बाद एक क्लच प्लेट फिट कर चुके हैं, इसको ले दिखाए थे, इसको अब लगा देंगे इसको, ये देखिए इस टाइप का बैठ गया ये क्लच प्लेट। अब इसमें एक वॉशर लगेगा, देखिए एक वॉशर गया, उसके बाद ये छोटा वाला बोर्ड व्हील लगाना है, ये देख सकते हैं उसमें लगा देना है फ्लाईव्हील। उसके बाद इसमें भी एक वॉशर डालना है, ये वॉशर, और उसके बाद कट नट इसमें कट करने के बाद उधर से इसको इसको लगा देना है, और चार को इसमें स्क्रू रहेगा, इसको टाइट कर देना है मिला के सेंटर में, ये देख सकते हैं चार को स्क्रू रहेगा, इसको टाइट कर देना है, ये देख सकते हैं टाइट हो गया, चारों को इसी तरह मिला के टाइट कर देना है। उसके बाद क्लच कवर
इसको डाल देना ऊपर से। लगाने से पहले इसका पैकिंग लगा देंगे, ये देख सकते हैं पैकिंग ग्रीस लगा कर डाल दिए हैं। उसके बाद क्लच कवर लगा देंगे, ये देख सकते हैं ये क्लच कवर, उसके बाद लगा देना। ये देख सकते हैं पूरा बैठ चुका है अभी। अब इसको बैठाने के बाद इसको हल्का सा ये क्लच लिफ्टर को उठा के देख लेना है सही से वर्क कर रहा है नहीं। ये देखिए काम कर रहा है अभी, ये खुल रहा है मतलब सही फिटिंग हो गया है। चलिए बोल्ट चारों तरफ टाइट कर देते हैं, ये फिनिश हो गया है क्लच सेट का पूरा।